तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का सेवन स्टार टेक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं तो सीबीएसई की तरफ से दोस्तों आज एक काफी अच्छी न्यूज आई है जो दोस्तों टेरर अटैक्स में जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके बच्चों के लिए दोस्तों यहाँ पर सीबीएसई ने काफी ज्यादा छूट दी है। तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में और वो न्यूज़ अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप सीबीएसई की वेबसाइट पे भी उसको देख सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मैं ये डाउनलोड करके दिखाना चाहूंगा। ये कुछ इस तरीके का सर्कुलर आया है सीबीएसई की तरफ से और इसमें दोस्तों यही बताया गया है जितने भी दोस्तों हमारे जवान थे जो अभी शहीद हो चुके हैं दोस्तों उनके बच्चों को यहाँ पर अगर उनके इन एग्जाम्स में अगर वो चाहें तो दोस्तों उनको यहाँ पर कुछ छूट दी जा रही है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको तो वो अपना सेंटर चेंज करा सकते हैं, जिस भी सिटी में वो चाहें उस सिटी में वो ले सकते हैं, जहाँ वो रह रहे हैं वो चाहें तो वहाँ पर अपना सेंटर चेंज करवा सकते हैं, अगर वो चाहें तो किसी दूसरी सिटी में भी अपना सेंटर चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पर ये सारी न्यूज़ बताया गया है और साथ ही में दोस्तों अगर उनका प्रैक्टिकल छूट जाता है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो अगर उनका छूट गया है तो वो उसको भी दे सकते हैं, 10 अप्रैल तक कभी भी दे सकते हैं दोस्तों, उनके लिए पूरी छूट है इस चीज के लिए। और साथ ही में अगर वो अभी किसी सब्जेक्ट का दोस्तों कोई भी पेपर नहीं देना चाहते हैं इधर तो वो अपने स्कूल में दोस्तों बता दें और इसके लिए भी उनको फैसिलिटी अवेलेबल करा दी जाएगी। इन चारों में से अगर वो कोई भी चीज करना चाहते हैं, चाहे वो अपना सेंटर चेंज करना हो, किसी दूसरी सिटी के सेंटर में आपको करना है, या फिर दोस्तों आपका प्रैक्टिकल रह गया है और इस इनमें से कुछ भी, चाहे वो फिर अभी एग्जाम नहीं देना चाहते हैं क्योंकि दोस्तों मेंटली अभी उनके ऊपर जो बीत रही है ऐसी स्थिति में एग्जाम देने लायक तो बिल्कुल नहीं होंगे और एग्जाम अभी सर पे आ चुके हैं, तो इसलिए वो चाहे तो यहाँ पर अपना एग्जाम छोड़ सकते हैं और बाद में सीबीएसई उनका एग्जाम कंडक्ट करा देगी। तो आपको इन सब चीजों के लिए आपको अपने स्कूल को बताना होगा। यहाँ पर सीबीएसई ने साफ साफ बता दिया है कि 28 फरवरी से पहले, तो अभी दोस्तों 21 फरवरी है तो आपके पास काफी टाइम है और ये वीडियो अगर आपका कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है ऐसा है तो आप उसको बिल्कुल बता सकते हैं, ये वीडियो उसके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उसको पता चल जाए दोस्तों। और 28 फरवरी तक आपको अपने स्कूल में बता देना है, फिर वो स्कूल वाले रीजनल ऑफिस सीबीएसई के ऑफिस में ये चीज वहां पर वो लोग आगे एक्शन ले लेंगे और वो आपके लिए ये सारी सहूलियत ये सीबीएसई ने यहां पर डिसाइड करा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है दोस्तों और आप लोग भी सपोर्ट करो प्लीज जितना आप लोग कर सकते हो। और यहां पर दोस्तों ये वेबसाइट है भारत के वीर, यहां पर दोस्तों आप लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू कॉन्ट्रीब्यूट पे जाके इस पे आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोस्तों, अपनी तरफ से जो भी आपका मन चाहे आप यहां पर उनके लिए कर सकते हैं, भारत के वीर के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप डायरेक्ट उनकी फैमिलीज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप चाहें तो आप पेटीएम के थ्रू भी यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। पेटीएम पे आप डोनेशन पे जाइएगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ये देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको दोस्तों यहाँ से भी जाके ऐसे कर सकते हैं और आप डायरेक्ट उनकी फैमिलीज को थोड़ा जो भी आपकी तरफ से दोस्तों मदद हो सकती है वो आप उनको कर सकते हैं। साथ ही में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, मैं भी इस वीडियो से जितना भी दोस्तों इनकम होगा मैं भी उनको डोनेट कर दूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो वो लोग हमारे लिए जब इतना करते हैं तो थोड़ा फ़र्ज हमारा भी बनता है उनकी फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि वो दोस्तों बॉर्डर पे हमारे लिए शहीद हुए हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं दोस्तों, तो आप लोगों का भी थोड़ा सा फ़र्ज बनता है, जो भी आपसे बन पड़ता है वो आप कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए।